हे फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और ये मेरा अजमेर ट्रिप का वीडियो नंबर 3 है। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे तो आप आई बटन में देख सकते हैं, जिनमें मैंने नरेली का मंदिर, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो कि पूरा भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे जो गौतम बुद्ध हैं उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है। और ये दूसरा वीडियो जो था उसमें था साईं बाबा टेम्पल, जो अजमेर से पुष्कर जाते हुए पड़ता है, और उसके पीछे है ये शिव मंदिर जो साईं बाबा टेम्पल के बिल्कुल पीछे है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। और उसके बाद हमने कवर किया था ब्रह्मा टेम्पल, जो कि पूरी दुनिया में एक ही है, और ये है वो पुष्कर लेक जहाँ पर ये ब्रह्मा मंदिर है। और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं कवर करने के लिए कुछ और मंदिर, कुछ और टेम्पल। तो अभी हम जब जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये है गुरुद्वारा लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके बाद हम जाएंगे रंगनाथ जी मंदिर। रंगनाथ जी वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं साउथ में उनका नाम है ये, और साउथ के बहुत सारे टेम्पल नॉर्थ में बनवाए गए, उनमें से एक टेम्पल ये है रंगनाथ जी, जो मथुरा में भी है। अगर आपने मेरा मथुरा ट्रिप वाला वीडियो नहीं देखा है रंगनाथ जी का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये टेम्पल, और इनकी यूनिक डिज़ाइन होती है, सबसे बड़ी बात है यूनिक डिज़ाइन, जो आपको एकदम साउथ का फील देती है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो एज यूजुअल 12 बज चुके थे, 12 से 1, और ये टाइम था क्लोजिंग का, तो बाहर से ही हम इसको देख पाए। और ज़्यादातर मंदिर बंद हो जाते हैं इस टाइम पे अजमेर पुष्कर में, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो हमारे पास जो टाइम था वो यूटिलाइज करने के लिए हम पहुंच चुके मॉल, क्योंकि मॉल तो ऑलवेज ओपन रहते हैं, थोड़ी शॉपिंग की जाए, थोड़ा फन किया जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये स्क्वायर मॉल, और उसके पास है डी मार्ट, ये दोनों चीज़ें पास में हैं। अगर मंदिर बंद हो जाते हैं तो आपके पास अदर ऑप्शन अवेलेबल है, जिस तरह से हमने यूटिलाइज किया अपने टाइम को, आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और क्योंकि ये स्क्वायर मॉल यहाँ का अजमेर का सबसे बड़ा मॉल है, जो ये रोड है ये वहीं के लिए जाती है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स, रिलायंस और बर्गर किंग और बिग बाज़ार, मैक्स, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये है वो मॉल जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपना टाइम पास करने के लिए, क्योंकि दोपहर हो रही थी और मॉल एसी रहते हैं और सारे मंदिर बंद हो चुके थे, तो ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास, इसलिए हम पहुँच चुके मॉल। और यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग हम लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं हम सोचते हैं हमको सस्ते से सस्ता मिले, और मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, आप एक बार ना जब मैक्स में या बिग बाज़ार में या रिलायंस में जाएं, एक बार डी मार्ट जरूर जाएं, और फिर सेम आइटम बाय करें या फिर उनका स्नैपशॉट लें और कंपेरिजन करें, देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइस व्हेन यू विल परचेज सेम आइटम फ्रॉम द डी मार्ट। अब तक का मेरा जितना भी मैंने शॉपिंग किया है, डी मार्ट इज द चीपेस्ट और बेस्ट है। डी मार्ट में घूमने के बाद, हम लोगों ने शॉपिंग करने के बाद, हम लोगों ने नेक्स्ट जो प्लान बनाया वो था सोनी जी की नसिया, आप देख सकते हैं, और ये अजमेर में स्थित है और बहुत ही अच्छी है, आपको देखना चाहिए। एक तरह से ये जैन टेम्पल है, और इसको टेम्पल आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं तेरे को इसको एक तरह से झांकी बोलूँगा, क्योंकि इसमें ना जैन मंदिर से रिलेटेड उनके मोक्ष की जो 6 बातें थी उनको दर्शाया गया है। और ये है टिकट विंडो, यहाँ पे टिकट सिस्टम है, फ्री नहीं है एंट्री, और मात्र 10 से 12 रुपए का टिकट है यहाँ पे, तो आप ले सकते हैं इजीली, नॉट इज कॉस्टली, और इसको देख सकते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा ये अंदर से। दोस्तों, सोनी जी की नसिया में जो जैन भगवान हैं उनके मेन 6 जो आदिनाथ हैं, उनके 6 जो गर्भ, जन्म, तप और जन और मोक्ष, ये 6 बातें हैं जिनसे पूरा जीवन बना है, इसमें दर्शाया गया है। और इसी तरह का जो कलाकृति हैं वो भी यही रिप्रेजेंट करती हैं, पूरा गोल्ड जैसा लगता है, गोल्ड से बना हुआ है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ से टॉप से देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसे उड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअली ये लटकाए गए हैं, लेकिन इनका जो धागा है वो दिखाई नहीं देता है, और ऐसा लगता है कि ये हवा में उड़ रहे हैं,
इतनी प्यारी ये जगह है और इतना प्यारा काम किया गया है और पूरा एकदम सोने जैसा लगता है। ऐसा लगता है किसी सोने के युग में आप एंटर हो गए हो। और काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है, और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। कम से कम 30 से 40 मिनट आपको चाहिए इसको देखने के लिए। इसके हर पार्ट को देखिए, उसके पीछे की कहानी को देखिए, उनकी कारीगरी को देखिए और तारीफ करिए। टोनी जी की नसीहत के बाद हम देखने चले गए पृथ्वीराज चौहान स्मारक, और ये स्मारक पृथ्वीराज की याद में बनाया गया था। ये बेसिकली ऑन द रोड है और एक तरह से आप बोल सकते हैं हाईवे पे है। और यहाँ पे एक जो फेमस ट्रेंड आजकल चल रहा है फोटो क्लिक करने का, जहाँ पे जैसे आप अजमेर जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तो वहाँ पे आई लव अजमेर, आई लव जयपुर, इस तरह से लिखा रहता है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे जो इसका एक तरह से बोल सकते हैं आपकी निशानी है, आप अजमेर आए हैं तो खिंचा सकते हैं फ़ोटो, काफ़ी लोग यहाँ पे खिंचाते हैं। बाकी पार्क ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस तरह का पिक्चर आप ले सकते हैं और काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए इसको आप देख सकते हैं। फिर हम और आगे बढ़ गए कुछ नेक्स्ट देखने के लिए। और फ्रेंड्स ये आ गए हम लेक, अजमेर लेक, आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है। अन्ना सागर लेक कुछ 13 किलोमीटर में फैली हुई है और इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अर्नो राज चौहान, उन्होंने करवाया था। अजमेर की ये लेक यहाँ का एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है और शाम को टाइम को यहाँ पे जो लाइटिंग होती है उससे देखते ही इसका नज़ारा बनता है। और जब आप अजमेर जाएँ तो अगर आपको वहाँ की फेमस स्वीट्स खानी है तो ये है वो फेमस शॉप। आपको मुझे कमेंट्स में इस शॉप का नाम ज़रूर बताना है। और ये है वो दाल भाटी, जो राजस्थानी डिश है और प्योर ऑथेंटिक डिश है, कड़ी कट्टा। और ये हमें मिला खाने का अवसर जिनके यहाँ हम रुके थे, जिन्होंने हमारा होस्टिंग किया था, थैंक यू भाभी। और यहीं पे मेरा अजमेर का ट्रिप एंड होता है और हम वापस पहुँच चुके थे स्टेशन जिससे हमें जाना था जयपुर। ये आप देख सकते हैं स्टेशन है अजमेर का। और आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।